भिवानी में परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल नेता किरण चौधरी ने फसल बीमा योजना को बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत पूंजीपतियों ने 20,000 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाले हैं। किरण चौधरी ने कहा कि आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने 27,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि फसल बीमा योजना का भुगतान मात्र 7,000 करोड़ रुपए ही किया गया। इस मामले को वे विधानसभा में भी उठा चुकी हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी अकेले भिवानी जिले के किसानों के बीमा के नाम पर 22 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। बता दें कि किरण चौधरी ने अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में सौंपने के लिए जनता को वोट की अपील की है। सरकार ऐसी सरकार है जो मुनाफाखोर सरकार, जिन्होंने तुम्हारी जेब काट के मुनाफा कमाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने अखबार में बार बार ये बात कही है, सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा। हमारे भिवानी के अंदर 22 करोड़ रुपया लेकर आईसीआई लोम्बार्ड की जो कंपनी है वो लेके फरार हो गई। विधानसभा में मैंने ये बात उठाई कि हमारा किसान भाई का जो है मुआवजा नहीं मिल रहा, कंपनी इतना पैसा लेके भाग गई है, क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कार्रवाई करेंगे। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंकड़े निकलवाए किसी ने पार्लियामेंट में आरटीआई के जरिए कि ये कंपनियों ने 27,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के नाम पर कमाया है। पूंजीपतियों की कंपनी 27,000 करोड़, और भुगतान कितना करा है? 7,000 करोड़ केवल। 20,000 करोड़ जो है सीधा सीधा प्रॉफिट, सीधा सीधा जेब में। तो यहाँ तो 10 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले तो किसान भाई का कर्जा माफ होगा, समझ गए सारे के सारे जो किसान, जो व्यापारी भाई हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि ये जीएसटी जो इनके ऊपर थोप दिया है और गलत तरीके से थोपा है, इसको पूरी तरह से सही तरह से और सरल बनाएंगे ताकि आम जनता को उसका फायदा, नौजवान बच्चे जो हैं उनके लिए अवसर पैदा करेंगे ताकि उनको जो है उनकी नौकरियां उनको मिल सके, इस तरह का माहौल बनाया जाएगा। ये सारे राहुल गांधी जी ने खुद स्वयं, मैं उनके साथ थी, सारे के सारे स्टेट्स के अंदर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इजाजत दीजिएगा, इजाजत है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगी। आज यहाँ पर आके आपके बीच में बड़ी खुशी हुई, सारे अपना परिवार को मिली, सारे पुराने अपने आदमी, पुराने कर्मठ कार्यकर्ता आज जो है इस सम्मेलन के अंदर आए हुए हैं। सबका तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। देखा किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बीजेपी की पूरी तरह से पोल खुल गई। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोली, लूट और खसोट की राजनीति करी, आम जनता को त्रस्त करा है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज गई है, और जिसका परिणाम आप 12 तारीख को आप देखेंगे। मैं छत्तीसगढ़ में भी होके आई, मध्य प्रदेश गई थी मैं चुनाव के लिए, और साथ के साथ अभी राजस्थान होके आ रही। लोग इतने इतने व्याकुल थे कि जी कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, हम इन झूठों को भाग के हम इनको बाहर फेंकना चाहते। वो इसलिए कि हमने देख लिया बहुत लंबे चौड़े वायदे इन्होंने करे, एक से एक बढ़ के झूठ, एक से एक बढ़ के पुलंदा झूठ का, सारे की सारी बातें जो है आज सामने आ गई, और लोग जान गए हैं कि विकास का कार्य अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है वो ही विकास का रास्ता आगे दिखाते हैं। हम लोग जो है भिवानी जो है ये हमारा परिवार है, हमारा घर भिवानी, महेंद्रगढ़ जो जिला है, दादरी जिसके अंदर है, ये हमारा घर है। और घर होने के नाते आपसे एक ही वायदा आज लेकर जाऊं, सामने आने वाले समय में आप जानते हो पार्लियामेंट का चुनाव आने जा रहा है भाई, इस बार लड़ाई जो है ना वो पोटी कलम की लड़ाई है, समझ गए सारे के सारे। तो एक एक जो यहाँ आया है, न्यू गांठ बांध लो अपने कुर्तों के और अपने चुनड़ियों के, सारी के सारे कि एक तरफा होके भाई झूठा जोरदार मार दियो ताकि चंडीगढ़ में थारा लठ मैं गाड़ दो जाके, ठीक है ना? श्रीमती किरण
हमारे कार्यकर्ता जो हैं अब ये समझ लें सारे के सारे लोग जो हैं कि अब चुनाव जो है वो सामने, आज कोई बड़ी आज जनसभा कुलदीप ने जो करवाई है इसका मकसद यही है कि आपको सबको जो है दोबारा से मोटिवेट करके आगे बढ़ने की बात करें। बड़ी रैली जो है हरियाणा में भिवानी में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं और चुनाव के शाम के समय बड़ी रैली हम फिर दोबारा से करेंगे जहां केंद्र से जो है बड़े नेता हमारे बीच में आएंगे। लेकिन अब जो है नया साल सामने है और 3-4 महीनों के अंदर अंदर जो है